मैच की एक बार फिर से बात करेंगे, उसी के ऊपर आएंगे। कल के मैच के मैन ऑफ द मैच थे इमाद वसीम, जिन्होंने 3 विकेट्स हासिल की। उनसे बात की हमारी नुमाइंदा सादिया अब्बासी ने, उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची किंग्स से इमाद वसीम। अस्सलाम वालेकुम इमाद, एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच इमाद। अगला जो मैच है वो जलमी के साथ है, दैट वुड बी मोर टफ, तो क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है? वो तो जब मैच भी जाएंगे देखेंगे, लेकिन इट वाज अ ग्रेट विन, मोरल बूस्टर था। और एक मैच खत्म हो गया, एक मैच और जीतना है, फिर फाइनल के लिए अगर वो जीतते हैं तो क्वालिफाई करना है। सो इट्स जस्ट वी आर टेकिंग वन गेम एट अ टाइम। सो उनके खिलाफ उनकी टीम बहुत जबरदस्त है पिशावर की, और जिस तरह सारे फॉर्म में, शायद भी वगैरह सारे फॉर्म में, इट विल बी अ वेरी वेरी गुड गेम। और आज की गेम के हवाले से अगर हम बात करें तो कितना प्रेशर था और पिच को किस तरह से देखते हैं? इट्स अ डूडल सिचुएशन, और प्रेशर you got they give you 100% pressure, yeah hota, I don't know, but like if you go out there and give 100% result alag hai haath mein hote hain, you never know kya hota hai, bas aap ye keh sakte ho 100% apna do aur allah pe yakeen rakho aur result aapke haath mein zyada tar aate hain. To imad ek last question, aap bahut sare foreigner players bhi hain aapki team mein aur ek bahut acha combination bana hua hai team ka, to agar ye final ke liye aapki team qualify karti hai aur ye sab lahore nahi jate to aap kis tarah se is combination ko barkarar rakh payenge? Ye management ka kaam hai, mera nahi hai. हमारा काम है कि जब भी हमें मैच मिले, जो भी टीम मिले, उनके साथ और उनके खिलाफ खेलना और मैच जिताना, उसके बाद मैनेजमेंट भी।